सांसद लोकसभा भारत सरकार। भारत माता की ऑल इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एसोसिएशन ऑलमोस्ट पहली बार जब ये कार्यक्रम कर रहा है तो मैं यहां उपस्थित हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और यहां पे मंच पे उन पांच कंपनियों का जिनका आज एसोसिएशन है, मुख्य रूप से पांच कंपनियां हैं, AWPL, हैप्पी हेल्थ इंडिया, शॉपनेट इंडिया, दार्जू 9, रोब इंडिया। मंच पे बैठे हुए इन कंपनियों के हेड भी यहां बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ श्रीमान हेम पांडे जी। और ये सारी संस्थाएं आज अगर देश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रही हैं, तो इसमें जिनका सबसे बड़ा रोल होता है वो उनके अलग अलग अधिकारी, अलग अलग सदस्य। आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को लेकर के इस एसोसिएशन के लिए बहुत सारी गाइडलाइन नहीं थी, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती रही होगी। और ये तब हुआ जब मनोज तिवारी भी सांसद बन गया था, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे हिस्से में भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि तब इसके मंत्री रामविलास पासवान जी थे। एक बात बहुत अच्छी कही अभी हमारे उद्घोषक महोदय ने कि जब कोई भी नियम बनता है तो उसके उसका दुरुपयोग करने वाले भी बहुत लोग हो जाते हैं। अब जैसे मैं एक राजनीतिक दल में हूं तो राजनीतिक दल बहुत हैं, तो बहुतों ने न्याय नहीं किया जनता के साथ। इसमें दोष जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का नहीं है, इसमें दोष तो उन लोगों का हो सकता है जिनकी सोच में गड़बड़ी थी। अगर हमने उसको सही वादा किया और सही ढंग से उसको डिलीवर किया तो फिर उसके घरों में, उसके ड्राइंग रूम में हमारी आपकी तस्वीर लग सकती है। तो आपकी प्रगति भी अच्छी है, आपके ऊपर लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। और अब धीरे धीरे देखिए ना, सब कुछ होम डिलीवरी तक आते जा रहा है। इस व्यवस्था को हम केवल एक्सीडेंटली नहीं गाइडलाइन बनाए हैं, हमारी नियत है, हमारी सरकार की नियत है कि हम अच्छे तरह सपोर्ट करें और बाकी तो जिंदगी के हर रास्ते में ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। ऑनेस्टी, अस्पष्टवादिता, ठगने की नियत से अलग रहना, ये तो तमाम आएगा ही। तो इस नाते आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं दिल से कह रहा हूं ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। तो नाते आप सब हमें बुलाए हैं, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं। एक मेरा गाना है, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म आई थी, उसमें मैंने प्लेबैक किया था। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाना हमने गाया, उसका एक लाइन है कि तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, तोरा माटी साज निराला भैया भैया भैया, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे गोड़ पथारी गंगा तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज निकलता, अरे जिया हो भारत के नौनिहार, तनी धूमधाम से तनी धूमधाम से तनी धूमधाम से।
इस लाइन को आप सब अपने मन में बसाइएगा कि अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, अपने ऑनेस्टी से आपन कल तू बढ़ावा ये भैया, पर सबसे ऊपर भारत माँ के मान बनावा ये भैया। कनिकाची गाई सब के मन बहलावा ये भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया। और मनोज जी पंच तत्व आज आपने पांच कंपनी जो हमारी फाउंडर मेंबर हैं उनको अभी ऑर्डर किया, ये पंच तत्व है। और आज जो आप लोगों ने हमें जो साहस दिया है, उत्साह दिया है, मेरे ख्याल से वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम वर्ल्ड फेडरेशन के मेंबर बने। दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर जो हमेशा हमें गाइडेंस देते हैं, हमें मोटिवेट भी करते रहते हैं, और जिंदगी के ऐसे सबक से हमें रूबरू करते हैं जिनके बारे में सोचा नहीं था कभी भी ऐसी भी जिंदगी हो सकती है और ऐसी भी चीजें बन सकती हैं। तो सर आज आप हमारे बीच में आए और आपने आज यहाँ पर तो 500 लोग हैं सर, लेकिन इनके पीछे जो काफी है वो 50 लाख लोगों का ये आशीर्वाद आज आपने सबको दिया है, उत्साह सब में आया है। और आपने बात कही अपने माटी के मान बढ़ाए रहे भैया, तो हम आपसे वादा करते हैं एसोसिएशन के माध्यम से समाज के लिए और देश के लिए भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे कार्य हम करेंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। भारत के प्रोडक्ट इस एसोसिएशन के माध्यम से सर हम विदेशों में लेके जाएंगे और आपकी ये लाइन जरूर सर्च करके दिखाएंगे कि अपनी माटी के मान बढ़ा हो रही है।